वेलकम awesome, awesome, awesome. स्वागत है सात सौ दस सर किस ये, ये किसका बड़ा भाई है मैंने कहा इसका छोटा भाई है ऐसे पांच सौ दस अगर तुम देखो इन दोनों का सरनेम भी सेम है दस 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 बहाने करके ले गए दिल तो दोनों का सरनेम सेम है और दोनों बातें भी लगभग सिमिलर ही करते हैं मतलब ऐसे पांच सौ दस क्या था सर आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओ फॉर ओपनिंग सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेज तो जो ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं उनको अपन चेकबैक करते थे जब हम पहली बार इस कंपनी को ऑडिट करते थे तो सर सात सौ दस किसकी बात करता है यह भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात करता है सर सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन Comparative information, comparative information का क्या मतलब है का मतलब आप जब बैलेंस तो क्या 31 मार्च 2024 की फिगर दिखाते हो? हाँ सर। क्या इसी के के साथ आप comparison के लिए 31 मार्च 23 की फिगर भी डालते हो हाँ, वही तो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है तो जैसे आप ओपनिंग बैलेंसेज में क्या बोलते थे अमाउंट्स भी आएंगी डिस्कलोजर भी आएंगे तो इसी तरह इसमें भी प्रायर पीरियड के अमाउंट्स और डिस्कलोजर दोनों आते हैं तो अपना दिल बड़ा रखना ऐसा मत बोलना सिर्फ अमाउंट अमाउंट लेंगे नहीं जो इनके लिए रिगार्डिंग रेलिवेंट डिस्कलोजर है वो भी इसमें आते हैं ठीक है ठीक है? है सर अब सर अब इसके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे अंदर की बात बता रहा हूं सेम सेम टू है किसी को बताना मत एकदम सेम टू सेम है जो 510 में पड़े थे वही 710 में है क्या बात करो सर हाँ पांच सौ दस में पहला प्रोसीजर क्या था ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली बैलेंसेज फॉरवर्ड अब यहां पे जो वर्ड है कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन यूज होता है सर क्यों अरे क्योंकि 510 का नाम ही ओपनिंग बैलेंस था ना तो वैसा नाम यूज होता था क्योंकि 710 का नाम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है तो यहां ऐसा नाम यूज होता है तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड सिंपल सी बात है फिर दूसरा पॉइंट किसका होता था अकाउंटिंग पॉलिसी का या तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड ओ या फिर अगर आपने इनमें कोई चेंज किया तो इट हैज बीन हैजिनटली अकाउंटेड प्रेजेंटेड इसको आपने प्रॉपरली एपीडी कर रखा है क्या ये बेसिक बातें क्लियर है हाँ सर इसके बाद अपन मसाला किसका डालते थे मटीरियल स्टेटमेंट का मतलब जब मैं कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह चेक वगैरह कर रहा था तब मुझे उसमें कोई मटीरियल स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी दिखी पक्का नहीं है पॉसिबिलिटी है तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो इसको यकीन में बदलने के लिए कौन से प्रोसीजर करने पड़ेंगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक वेदर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्रीज और नॉट क्लियर है क्लियर है सर बट सर इसमें थोड़ा सा और मसाला डालो ना मैंने कहा सुनो सोचो तुम्हें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई और तुम ही पिछले साल के ऑडिटर थे मतलब तुमने पिछले साल का ऑडिट ठीक से नहीं किया तुमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी इशू करने के बाद तुमको कुछ ऐसा पता चला अगर पहले पता होता तो दैट यू हैव अमेंडेड योर ऑडिट रिपोर्ट तो सर कौन सा ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे 560 लग जाएगा तो इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ द प्रायर पीरियड जिसमें मटेरियल स्टेटमेंट मिली है तो विच एसे गेट्स अट्रैक्टेड 560 गेट्स अट्रैक्टेड यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर अब जब 560 की बात हो रही है लगे हाँ तो इसका बंधु 580 भी ले आओ सर 580 किसकी बात करता था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे एक तो कवरिंग ऑल द पीरियड जो हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले ऐसे में सीखा था दूसरी स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स हैव बीन एडजस्टेड इन द एन तो यही तीन स्टेप्स अपने को ध्यान में रखने सर क्या क्या सबसे पहले तो बेसिक प्रोसीजर बेसिक प्रोसीजर क्या है मैंने कहा कंपेरिटिव इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन वेरी गुड अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलोड अगर कंसिस्टेंटली फॉलोड नहीं है

इंडिया में कौन सा चलता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो हमारा इंडिया है हमारा भारत देश भार इसमें चलता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर मतलब जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें एसेट और लाइबिलिटी आएंगे सर क्या नई बात बताई ना आपने मैंने कहा इधर ध्यान दो एसेट और लाइबिलिटी आएंगे इस साल के भी और पिछले साल के भी अच्छा इस साल वाली बातों को तुम्हारा फोकस किस पे रहेगा सर फोकस तो इस साल वाली बातों पे तो तुम ये वाली क्यों डालते हो बस रीड करने के लिए दीज आर ओनली फॉर द रीडिंग पर्पज ताकि हम इन बातों को अच्छे से समझ सकें ये बातें डाली जाती है जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं डिस्कलोजर होते हैं वो किसके आएंगे डिटेल में इसके तो डिटेल में होंगे इसके बस रेलिवेंट आएंगे क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर तो मुझे बताओ हमारा ऑडिट ओपिनियन किस पे फोकस करेगा करंट ईयर पे या पिछले साल पे सर करंट ईयर पे तो ऑब्वियसली बट पिछले साल के ऊपर अपन ओपिनियन नहीं देते पर इसके तीन एक्सेप्शन है जल्दी से बताओ तीन एक्सेप्शन क्या आती है सर सबसे पहली एक्सेप्शन ये है पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन था वेरी गुड द मैटर विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन हुई थी वो आज भी unresolved है यानी पुरानी गलती ठीक नहीं करी अगर मैनेजमेंट ने पुरानी गलती ठीक नहीं करी तो क्या इस बार वापस परिणाम वही होगा मैंने कहा अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो परिणाम वही होता है अगर मैनेजमेंट ने गलती ठीक नहीं करी तो परिणाम वही रहेगा हम वापस मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो मुझे एक बात बताओ इसमें मजा कहां था सर मजा था इसके नेक्स्ट पार्ट में बेसिस फॉर द मॉडिफिकेशन पैरा अब मैं किस बहाने से ओपिनियन को मॉडिफाई करूं यह देखना है तो इससे चेक करो क्या यह बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल आइटम है क्या यह बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल सर फर्क क्या पड़ेगा मैंने कहा अगर बैलेंस शीट आइटम है और पिछले बार की गलती ठीक नहीं करी है तो क्या इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट इसमें भी घुस गया हाँ क्या यह भी गलत हो गई यह भी गलत हो गई क्या दोनों गलत हो गए हाँ सर दोनों गलत हो गए तो वेन यू आर मॉडिफाइंग योर रिपोर्ट बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे रेफर रेफर टू टू बोथ बोथ दैट इज द द फिगर फिगर एज एज वेल करंट ईयर एंड आप बोलोगे जो इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट घुसा है इसमें करंट ईयर फिगर में दैट इज जो मैंने तुमको पिक्टोरियल दिखाया बस उसको अंग्रेजी में लिखना है क्लियर है क्लियर है सर सर ये बात पीएनएल में तो नहीं हो सकती क्यों क्योंकि ये फिगर अलग है ये फिगर अलग है तो दिक्कत कहां है सर दिक्कत है कंपेरेबिलिटी में दिक्कत कहां है मैंने कहा दिक्कत है कंपेरेबिलिटी में गगन वाला एग्जाम्पल याद रखना सर गगन वाले एग्जाम्पल क्या था मैंने कहा गगन वाले एग्जाम्पल में बस तुमको ध्यान रखना है कि अगर आप सही को गलत से कंपेयर करते हो तो वो भी गलत हो जाता है तो आप बोलोगे वी आर गिविंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट ईयर विद द प्रायर पीरियड फिगर इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट यस सर तो यही बेसिक सी बात है जो यहां लिखी हुई है सेम टू सेम की जो मैंने भी आपको बताया सर दूसरा केस क्या बनता है मैंने कहा दूसरा केस बनता है ये रहा इधर 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 पता नहीं कहां देख रहे इधर देखो दूसरा केस क्या था मैंने कहा दूसरे केस में भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती तो है दूसरे केस में भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती तो थी बट पुराना ऑडिटर पकड़ नहीं पाया दैट मींस द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेड अ अनमोडिफाइड ओपिनियन ओ बट आपको पता चला मटीरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है उसमें देन यू नीड टू चेक वेदर इट हैज बिन रिजोल्व और अनरिजोल्व अगर तो रिजोल्व हो गई जयराम जी की एकदम बढ़िया हो गया बट अगर अनरिजोल्व है तो मुझे बताओ क्या तुमको मटीरियल स्टेटमेंट मिल चुकी है हां सर क्या तुम्हारे पास एविडेंस है हाँ है। तो कौन से दो ओपिनियन पॉसिबल है क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन बस इतना सही था हां इतना सही था और थर्ड वाला तो इससे भी छोटा ये कहता है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड तो तुमको बस इतनी सी बात बतानी है ओम पैरा में जो अदर मैटर पैरा है वो बताना है तो सिर्फ इन तीन केसेस में आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर इनके साथ दिक्कत क्या है मैंने कह साथ कोई दिक्कत नहीं बड़े प्यारे हैं नाम से ही पता चल रहा है कंपेरेटिव मतलब जिस तरह से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुबा हु, बोलो साथ, हुबा हु उतनी ही डिटेल में पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं इनकी इज्जत उतनी ही है जितनी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है तो क्या ऑडिटर का ओपिनियन इनको भी रेफर करेगा मैंने कहा हाँ ऑडिटर का ओपिनियन करंट ईयर को भी रेफर करता है कंपेरेटिव को भी रेफर करता है क्या बस इतनी सी बात थी हा अब इसमें तीन स्पेशल केसेस थे सर क्या इस बार तुम ओपिनियन किस पे दे रहे हो करंट ईयर पे भी कंपेरेटिव पे भी एक बात बताओ कंपेरेटिव पहले भी तो हो सकता है किसी ने कोई और ओपिनियन दिया हो हाँ सर हो सकता है तो क्या तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मैंने कहा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है तो अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो उसके रीजन आपने ओम पैरा में बताने क्या है, बेसिक सी बात थी हाँ सर अगर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं उसमें आपने कोई गलती पकड़ी जो गलती पुराना ऑडिटर नहीं पकड़ पाया ओ तो मुझे इसके बारे में किसको बताना है मैनेजमेंट और टीसीड जी को वो फिर किसको पकड़ के लाएंगे कान पकड़ के सर पुराने ऑडिटर को वो फिर पुराने ऑडिटर को कान पकड़ के घसीट के लेके आएंगे और उसको बोलेंगे क्या नलायक वापिस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करते हैं वापिस इसमें नई ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर अब दिल पे हाथ रख के बोलना जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका अभी अभी नया नया ऑडिट हुआ है वो नए नए अमेंड हुए हैं क्या एज अ करंट ऑडिटर मुझे अब भी उनपे ओपिनियन देना चाहिए मैंने कहा नहीं अब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करके चलो यही बात बताई थी हां सर एंड लास्ट पॉइंट सेम टू सेम अगर प्राइव पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड इतनी सी बात आप ओम पैरा में लिख देना और सर इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट था विच इज कॉमन विच इज कॉमन फॉर बोथ कॉमन फॉर बोथ मीन्स चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हो या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पिछले साल का ऑडिटर कोई और था तो ये बात आपको अपने ओम पैरा में बतानी है तो सर ओम पैरा में क्या लिखना है पिछले साल का ऑडिटर कोई और था उसने क्या ओपिनियन दिया वो बता देना और उसकी डेट बता देना बस सर इतनी सी बात है हाँ दोस्त इतनी सी ही बात है यहां आपका ऐसे सेवन हंड्रेड टेन डन डनाडन डन सर डन, डन। तो कितनी देर लगी कितनी देर लगी सेवन हंड्रेड एंड टेन रिवाइज इन टेन मिनट्स दिस इज योर लकी ऐसे ठीक है ये आपका लकी ऐसे बन गया मजा आया नहीं आया जल्दी से बताओ मजा आया नहीं आया आ गया सर तो यही है ऐसे सेवन हंड्रेड एंड टेन की रिवीजन बस अब आपने इसको एक बार और रिवाइज खुद कर लेना और एक बार इसका क्वेश्चन बैंक कर लेना मजा आ जाएगा